गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज योर चैप्टर नंबर नाइन वॉट हैपन टू द रिप्टाइल्स फ्रॉम योर बुक अ पैक्ट विद द सन तो लेट स्टार्ट द चैप्टर यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी कि आप इस स्टोरी को आप बिलीव नहीं करोगे विश्वास नहीं करोगे बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एकदम सच है बिकॉज आई हैव बीन टू पम्बूपति विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल क्योंकि मैं पम्पू पति जो कि जंगल के एकदम किनारे पर है उस गांव में जा चुका हूँ मैं वहाँ गया था इट इज़ ऑन अ क्लिफ वो एक चट्टान पे है एंड द वास्ट फॉरेस्ट रिच इज़ बिलो लाइक अ मोजी ग्रीन कापेट और उस चट्टान से नीचे एकदम घना जंगल बसा हुआ है फैला हुआ है जैसे कि मान लो नीचे कोई हरा दलीचा बिछा हुआ हो देर आर मैनी काइंड ऑफ पीपल इन द विलेज वहाँ कई तरह के लोग हैं गांव में डार्क फेयर टॉल शॉर्ट काले गोरे लंबे, छोटे दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस वो कई तरह की भाषाएं बोलते हैं ईट मीट डोंट कुछ मांस खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं सम पार्टी इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट सब अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे कुछ लोग सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट कुछ लोग जंगल के किनारे पर एक मंदिर है वहाँ जाकर पूजा करते हैं अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे और कुछ जो हैं वो जो कि कुछ ही दूरी पर है वहाँ पर जाकर मस्जिद है मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव इन आई लिव मैनी हंड्रेड्स माइल अवे फ्रॉम परम्पोपति मेरा नाम प्रेम है और मैं प्रम्पति गांव से बहुत हजारों मील कोसों मील जो है वो दूर रहता हूँ आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देर मैंने उस गांव के बारे में सुना था लेकिन मैं कभी वहाँ पे गया नहीं था देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन्ड तो पिछले साल कुछ मेरे साथ एक भयंकर घटना घट गट गई क्या थी वो द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड मेरे खुद के गांव के लोग जो थे वो पागल हो गए थे बुरी तरह से पागल हो गए थे फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क हैड down बर्न they एंड देवर एंड went मैड और वो उस जगह पर गए भी नहीं होंगे वहाँ पे जाके उन्होंने क्या करा अ टेम्पल और मॉस्क हैड बिन बर्न down, वहाँ के मंदिर और मस्जिद जो थे उन्हें जला दिया गया एंड दे मैड और वो पागल हो गए ठीक है दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन एंड अदर वो एक दूसरे के साथ उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट किसी को तो रातों रात आधी रात को जो है वो घर से भागना पड़ा एंड एट थ्री इन द मॉर्निंग और किसी को सुबह सुबह दो या तीन बजे तक जो था वो वहाँ से वो अपने घर से भागे एज आई ले इन माई हाउस हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस देर वॉज अ फायर एक दिन क्या है कि मैं अपने घर में लेटा हुआ था और अभी हाफ अवेक मीन्स अभी आधी ही नींद आई थी टू द साउंड्स ऑफ़ हेट एंड वायलेंस देर वॉज़ अ फायर मुझे हाफ़ अवेक टू द साउंड्स एंड हेट ऑफ़ द वायलेंस की जो नफ़रत और वायलेंस जो वहाँ पर की आवाज़ें जो थी उन वो मुझे थोड़ी थोड़ी जैसे सुनाई दे रही थी नींद में सुनाई दे रही थी देर वॉज़ अ फायर अब क्या हुआ कि अब जगह जगह आग ही आग थी मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर बहुत से घरों में क्या थी अब आग लगा दी गई थी उनको आग के हवाले कर दिया गया था वन ऑफ देम वॉज माइन और उनमें से एक मेरा घर था आई मैनेज टू ग्रैब अ न्यू क्लोथ्स सम कॉइंस माई लिटिल गनेशर स्टेच्यू एंड आई रैन आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट रेस्टिंग वेर एवर माई लेक्श वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर और क्या किया जैसे ही मेरे घर में आग लगी तो मैंने क्या किया आई मैनेज टू ग्रैफ यू क्लोथ्स मैंने कुछ कपड़े समेटने की कोशिश की थोड़े बहुत पैसे उठाए और एक मेरे जो गणेशा का स्टैचू था गणेशा की मूर्ति थी वो उठाई और मैं भागता रहा भागता रहा आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट मैं एक दिन और एक रात भागता ही रहा रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एफ एनी फर्दर और जब मेरी टांगें थक जाती थी तब मैं आराम करता था फिर भागता ही रहता था आई जम्प डाउन टू अ ट्रेन देन ऑन बस मैं कभी रेल से जाता कभी बस से जाता तो इस तरह से मैं जो है वो भागता रहता भागता रहता कभी बस से कभी ट्रेन से नो no टिकट्स बिना टिकट के ठीक है नेवर माइंड एवरी वन सीम टू बी रनिंग इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि हर कोई जो क्या था भाग रहा था फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बूपति तो आखिर में क्या है मैंने ख़ुद को कहाँ पाया पम्बूपति विलेज में पाया एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल मैंने क्या देखा कि कुछ गांव वाले जो थे वो वहाँ कुएं के पास इकट्ठे हुए थे आई रैन टू देम मैं उनकी तरफ दौड़ा एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मैं वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया वैन आई ओपन माई आइज आई सॉ एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर वाइट बर्ड एंड शाइनिंग ब्लैक आइज बेंडिंग ओवर मी और जब मैंने अपनी आँखें खोली तो मैंने क्या देखा मेरे सामने एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके सफ़ेद बाल हो चुके थे दाढ़ी भी उसकी सफ़ेद थी लेकिन आँखों में जो चमक थी ठीक है वो मेरे सामने जो थे वो मुझे देख कर मुझे देख रहे थे वो मेरे सामने बैठे हुए थे फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़ ही लुकड आफ्टर मी अगले कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी देखभाल की पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम और मुझे वो मुंह में खाना खिला रहे थे मुंह में डाल के और मेरे लिए झरने का पानी मेरे लिए ला रहे थे ही रब माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे और वो मेरे पैरों को भी मालिश कर रहे थे बड़े प्यार से मालिश कर रहे थे और जिससे कि मेरी दर्द जो थी पैरों की वो भाग गई थी नेबर्स स्ट्रेंजर्स एवरी वन केम टू विजिट मी उनके पड़ोसी और जो अजनबी लोग भी जो थे वो सारे वहाँ पर आकर मुझसे मिलने आए टेल मी ग्रांड फादर आई सेट टू हिम वन डे तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि दादाजी मुझे बताओ आई हैड नेवर सीन पीपल लाइक द विजर्स हियर कि मैंने ऐसे ग्रा गाँव के लोग जो हैं वो मैंने कभी नहीं देखे हैं इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हुपरे टू अनदर गॉड मेरे गाँव में क्या है कि लोग जो हैं वो उन लोगों से लड़ते हैं जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं बटियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस लेकिन यहाँ ये बहुत ही एक अलग ही जगह दिखती है बड़ी अद्भुत सी जगह जो है वो ये लग रही है प्रेम रिप्लाई द ओल्ड मैन ओल्ड मैम ने जवाब जवाब दिया कि प्रेम आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पम्बूपति कि मैं तुम्हें पम्बूपति के बारे में एक कहानी बताऊंगा यू टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज तुम जाकर ये कहानी अपने गांव वालों को सुनाना मे इट विल हील सम ऑफ़ इट्स वून्स एंड ड्राई सम ऑफ़ इट्स सोर्स कि शायद ये कहानी उनके घाव को भरने में उनकी मदद करेगी ओ ग्रैंड फादर आई सेड एंक्शसली डोंट से दैट तो मैंने बड़े उत्सुकता से कहा कि ओह दादाजी ऐसा मत कहो वॉट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम जो कुछ मैंने अपने गाँव में देखा है वो मुझे शर्म से जला देता है आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देर मैं कभी भी वहाँ वापस नहीं जाना चाहता बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक ही सेट इन अ सॉफ्ट वॉइस उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि नहीं इसीलिए तो तुम्हें वहाँ पे वापस जाना चाहिए आई केप्ट क्वाइट राइटर क्या कहता है कि मैं चुप रहा आई डिडन्ट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था एंड आई वॉन्टिड टू हेयर हिज स्टोरी और मैं उनकी इस कहानी को सुनना चाहता था